एक इंसान हूँ और मानव जाति को प्रभावित करने वाली हर चीज से मेरा सरोकार है। शहीद भगत सिंह की जेल वाली डायरी। जेल वाली डायरी में जन्म से अंतिम समय तक सब कुछ मौजूद है। जो पहले कभी सामने नहीं आए वो आज बताते हैं। खोलते हैं भगत सिंह की जेल वाली डायरी। शहीद भगत सिंह ने जेल के दौरान एक डायरी लिखी थी, जिसके पेज नंबर 43 पर उन्होंने मानव और मानव जाति के विषय पर लिखा था। शहीद भगत सिंह के पौत्र व बाबर सिंह के पुत्र यदुवेंद्र ने उनकी डायरी के अंश को एक किताब के रूप में सहेजा है। जेल डायरी में ऐसे काफी अंश हैं जो पहले कभी सामने नहीं आए। जन्म से लेकर अंतिम समय तक के कुछ घटनाक्रम के अंश इसमें शामिल हैं। सरदार भगत सिंह अपनी फांसी की सजा माफी के लिए तत्कालीन नेताओं के अंग्रेज सरकार से निवेदन करने के खिलाफ थे, लेकिन भगत सिंह फांसी के फंदे पर भी नहीं झूलना चाहते थे। वह चाहते थे कि उन्हें सैनिक जैसी शहादत देते हुए गोली मार दी जाए। यह बात उनके 20 मार्च 1931 को पंजाब के गवर्नर शिमला को लिखे पत्र में पता चलती है। सरदार भगत सिंह का मानना था कि वह आजादी के सिपाही हैं, इसीलिए उन्हें सैनिक जैसे शहादत देते हुए गोली मारी जाए। भगत सिंह के एक लेख सामतवाला के कुछ अंश देखिए। सामतवाला को देखकर पता चलता है, जो 16 मई 1926 में बलवंत सिंह के नाम से छपा था, अगर रक्त की भेंटे चाहिए तो शिवा युवक के कौन देगा, अगर तुम बलिदान चाहते हो तो तुम्हें युवकों की ओर देखना पड़ेगा। दिसंबर 1929 में एक लेख के जवाब में भगत सिंह ने लिखा था, बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। क्रांति या इंकबाल का अर्थ अनिवार्य रूप से सशस्त्र आंदोलन नहीं होता। स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझे भी होनी चाहिए, जिसे मैं छुपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं कैद या पाबंद होकर जीना भी नहीं चाहता। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मैंने फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं और बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। बस ये अफसोस रहेगा कि मानवता के लिए जो कुछ करने की हिरासतें मेरे दिल में थी, उनका हजारवां भाग भी पूरा ना कर सका। सरदार भगत सिंह की जेल वाली डायरी के पन्नों से ये कुछ शब्द थे जो आज भी व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम वीडियोस देखने के लिए आपको बने रहना है जनसत्ता.com पर।